सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भाई अगर आपके घर में भी है तुलसी का पौधा तो ये भाई एक अच्छी बात है, पर अगर कुछ सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर हम कर देते हैं कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमें तुलसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा माना जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में आखिर वो गलतियाँ क्या है, उसे ना करें और क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली सावधानी जो है ये है वो जो आपने पहले नहीं ध्यान दिया होगा, ये वाली। तो भाई कभी भी तुलसी को ऐसे ही खुला ना छोड़ें, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी कुछ तो भाई ढक के जरूर रखें। और उसके बाद बारी आती है भाई, काफ़ी सारे मुझे सवाल भी आते हैं कि भाई तुलसी के पत्तों को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ना चाहिए। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं कब नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को और रविवार को हमें पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, और बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, नहाना ज़रूरी है। और हाँ एक और ज़रूरी बात दोस्तों, कि भाई दिन छिपने के बाद या फिर सूरज ढलने के बाद पत्तों को ना तोड़ें, ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो भाई इन सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बारी आती है कि भाई पानी कब दें। कुछ लोग जैसे आम अपने घर में पौधों को पानी दे देते हैं, वैसे ही तुलसी को भी देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हमें पत्ते तोड़ते वक्त ध्यान रखा था वैसे ही रखना है, संडे और एकादशी के दिन पानी ना दें। और इसके बाद बारी आती है कैसे तोड़ना चाहिए। हम जब भी पत्तों को तोड़ने जाएं तो भाई नंगे पाँव जाएं, और नंगे पाँव जाते ही जब हम तोड़ना शुरू करें तो राम राम या फिर कृष्ण जी का नाम मुख से जरूर उचारें, लगातार उचारते रहें जब तक आप पत्ते तोड़ रहे हैं। और पत्तों को ध्यान रखिएगा, आपको जड़ से तोड़ना है, बीच में से ना तोड़ें उसको, मतलब पूरा तोड़िए। और इसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो सूख चुका है तो भाई उसे तुरंत ही निकाल दें और नया लाकर लगा दें। जी हाँ ये ज़रूरी है, आप सूखा पौधा बिल्कुल भी ना रखें, हमेशा खिला हुआ और हरा भरा तुलसी का पौधा ही रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने घर में रखा है तुलसी का पौधा और अगर आप उसे वैसे ही कैरी कर रहे हैं जैसे आम पौधों को करते हैं, तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि भाई आप शाम को हमेशा करें पूजा तुलसी की। जी हाँ तुलसी की पूजा करनी ज़रूरी है, रोज़ाना आप ज़रूर करें, क्योंकि भाई शाम को जो है पूजा ज़रूरी है तुलसी की। हम आम वैसे ही रख तो लेते हैं पर इस गलती को हम दोहराते हैं डेली, इस बात की हमें सावधानी ज़रूर रखनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ पांच गलतियां जो आप करते हैं, उसे सुधार लें, सावधानियां रख लें, तो भाई आपका तुलसी का पौधा रखने का जो एक इरादा है वो सफल हो जाएगा। और आपको क्या लगा, आपकी क्या है विचार, आपका क्या है सवाल, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।